हनी फेशियल क्लेंज़र हनी फेयरनेस स्क्रब हनी ब्राइटनिंग ग्लो मसाज क्रीम हनी फेयरनेस पैक जी हाँ इन सारे स्टेप्स को अप्लाई करने से मुझे मिला है गोल्डन ग्लो फेशियल एट होम जी हाँ घर पे ही आपको सुनहरा निखार अपने फेस में देखने को मिलेगा मिनटों में ये सारे स्टेप्स आप घर में ही बना लोगे एंड जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी जो मैंने यहाँ पर लिया है मोदी केयर का सोल फ्लेवर का हनी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा

यस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर गोल्डन ग्लो फेशियल एट होम विद हनी यस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर में सोने जैसा निखार अपनी स्किन में पा सकते हो वो भी हनी के साथ यानी कि शहद तो के, के साथ तो चीप होता है कि वो हर घर में अवेलेबल होता है तो उसका मैंने फेशियल आपके साथ शेयर किया है वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो यहाँ पर हेड कर का बटन है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर दो नोटिफिकेशन बेलाइकन आएगा छोटा सा घंटी सा उसको भी हिट कर दो डेली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक वीडियो मेरी मिस नहीं कर पाएंगे और जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किए हैं उन सब में मुझे मिला है बेल so, yeah, बटन, totally बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे डो नॉट स्किप वीडियो सबसे पहले बनाएंगे हम हनी फेशियल क्लेंजर तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मोदी केयर का सोल फ्लेवर हनी और उसमें थोड़ा सा मैंने मिलाया है रोज वाटर कुछ इस अमाउंट में दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मैंने यहाँ पर लिया है साई का गुलाब जल अच्छे से मिक्स करने के बाद या इट्स रेडी टू यूज सो इसको अप्लाई करने से पहले मैंने यहाँ पर लिया है कॉटन उससे उसमें थोड़ा सा डिप करके अपने पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी जितनी भी मेरे पोर्स में इंप्योरिटीज होती हैं डर्ट होता है पोल्यूशन होता है स्वेट होता है ऑयल होता है सबको पोर्स से अच्छे से निकाल के गंदगी को दूर करता है पूरे फेस को क्लीन करता है उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर लूँगी सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टीमिंग तो मैंने यहाँ लिया है म वाटर इट मीन गुनगुना पानी उसमें मिलाया है मोदी केयर का रेंज का टी ट्री ऑयल कुछ ड्रॉप्स उसमें मिक्स करूंगी जिससे इसका रिजल्ट मुझे दुगना मिलेगा इसमें कपड़ा भी डिप कर दूंगी जो मैं अपने फेस में स्टीमिंग के लिए यूज करूँगी तो इसे थोड़ा सा निचोड़ के अपने फेस में इसे रख दूंगी आप चाहो तो लेट भी सकते हो रेस्ट कर सकते हो टेन टू ट्वेंटी मिनट्स के लिए आपको अपने फेस को रेस्ट देना है कुछ इस तरह से उससे क्या होगा कि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं जो डर्ट और पोल्यूशन उसमें फंसा हुआ रहता है ना वो लूज पड़ने लगता है तो आगे उसे क्लीन करने में ईजी रहता है तो जैसे टाइम अप होगा मैं इसे हटा दूंगी so तो मोदी सोल फ्लेवर की कॉफी और उसमें लिया है मैंने मोदी केयर का सोल फ्लेवर का हनी दोनों तो को मिक्स कर दूंगी और ये स्क्रब के लिए रेडी हो गया है तो इसे अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक टिप शेयर करना चाहती हूँ जैसे ही आप इस स्क्रब को बनाएं तो इंस्टेंटली आपको इसे अपने फेस में अप्लाई करना है स्क्रब की तरह अदरवाइज ये मेल्ट होने लग जाता है बिकॉज अभी जो ह्यूमिडिटी हो रही है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मेल्ट हो चुका है तो ये अच्छे से स्क्रब नहीं कर पाया है बट अगर आप जब स्क्रब बनाओगे तो आपको इंस्टेंटली उसे यूज करना है तो अपने पूरे ऑल ओवर फेस में से अप्लाई करूंगी जो मैंने अभी स्टीमिंग की है उस वजह से अब स्क्रब करने से वो सारी इंप्योरिज अच्छे से क्लीन हो जाएगी तो आप अब देख सकते हो कितने अच्छे से इसका डिफरेंस देखने को दिखाई दे रहा है स्टेप इज मसाजिंग तो मैं यहां पर रेडी कर रही हूं हनी ब्राइटनिंग ग्लो मसाजिंग क्रीम तो यहां पर मैंने लिया है मोदी केयर का सोल फ्लेवर का हनी एंड उसमें मिलाया है मैंने फ्रूट ऑफ द अर्थ का कोकोनट ऑयल दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी सो या इट्स रेडी टू यूज़ अच्छे से इसे ऑल ओवर फेस में अप्लाई करूंगी मसाजिंग करूंगी अव्वर डायरेक्शन एंड कि ऊपर की, की साइड इसे अप्लाई करूंगी एंड सर्कुलर मोशन में भी इसे अप्लाई करूंगी जिससे मेरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बना रहे उसकी स्पीड एंड मेरी स्किन हेल्दी फील करे और अपनी आईब्रोज में एंड आइज़ को कुछ इस तरह से मसाज करूंगी जिससे मेरी आइज बहुत अच्छे से रिलैक्स फील करे आप चाहो तो इसे वॉश शॉफ भी कर सकते हो अदरवाइज इस तरह से अपने एक रुमाल को वेट करके अपने पूरे फेस को क्लीन भी कर सकते हो एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ फेस पैक तो मैंने यहाँ बनाया है हनी का फेयरनेस फेस पैक तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन उसमें मिलाया है मोदी केयर का सोल फ्लेवर का हनी एंड मिल्क तीनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनाऊंगी और ये पेस्ट रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए तो मैंने एक ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर फेस में से अप्लाई कर लूँगी आप चाहो तो नेक तक भी इसे अप्लाई कर सकते हो इससे हमारे फेस में एक गोल्डन ग्लो सा के फेस में देखने को मिलेगा एक हेल्दी लुक आपके फेस में आएगा सो so, जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक आपको इसे अपने फेस में रहने देना है अगर आप टीनेजर में आते हो तो आपको करना है इसे वंस अ वीक अप्लाई अगर आप टीनेजर से ऊपर हो ट्वेंटी से नीचे हो तो आप कर सकते हो ट्वाइस अ वीक एंड अगर आप थर्टी फोर्टी के हो तो आप कर सकते हो थ्राइस अ वीक इसके अच्छे खासे रिजल्ट आपको देखने का मिले जैसे ही मैं इसे रिमूव करूंगी तो आप देख सकते हो इसका डिफरेंस पहले की स्किन एंड अभी की स्किन में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को दिख रहा है एंड आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी आपको लगने लगेगी एक रेडियंट लुक भी आपको मिलेगा एक गोल्डन सा निखार सोनी जैसा निखार आपको जरूर देखने को मिलेगा आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मुझे डिस्काउंट कैसे मिलता है तो मैंने किया है यहाँ पर मोदी केयर को ज्वाइन अगर आपको भी चाहिए डिस्काउंट हर प्रोडक्ट में तो आपको भी करना होगा मोदी केयर को ज्वाइन ज्वाइन करने की रिगार्डिंग आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आपको सिर्फ आधार कार्ड सेंड करना है दैट इट उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा तो या वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दो भर भर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो मोदी के को ज्वाइन कर लो सारे स्टेप्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है इसमें एक भी पैसा नहीं जाएगा ना मुझे एक भी पैसा मिलेगा सो या टिल देन बाय बाय